स्कूटनी का रिजल्ट जारी हो चुका है, जिसमें कि बहुत सारे बच्चों का नो चेंज दिखा रहा है। और कितने बच्चे चेक कर रहे हैं तो उनका नंबर जैस जो का तो है बढ़ा नहीं है नंबर। तो बिहार बोर्ड की क्या किया है इस बार, किस प्रकार से इस बार आप लोग के स्कूटनी के रिजल्ट में भी धांधली किया है, मैं पूरा बताऊँगा। और किस प्रकार जो चेक नहीं कर पा रहे हैं, किस प्रकार चेक करना है पूरा बताऊंगा। यहाँ पर बिहार बोर्ड से एक अपडेट निकल के आ रहा है, जिनका नो चेंज लिख रहा है वो किस प्रकार से उनका भी नंबर बढ़ेगा पूरा मैं यहाँ पर वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि भी अपडेट आए तो आपको सबसे पहले सबसे आगे न्यूज़ मिल सके। चलिए हम जानते हैं पहले कि जिनका रिजल्ट चेक नहीं हुआ है वो किस प्रकार चेक करेंगे यहाँ से, उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा कि जिनका नो चेंज लिख रहा है स्कूटनी के फॉर्म डालने के बावजूद भी उनका मतलब कि नहीं दिखा रहा है तो क्या उसको करना चाहिए। चलिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के ऊपर लिंक को दाबना है। तो दाबेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है आपका ये इंटर स्कूटनी लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसे हम क्लिक कर दिया हूँ। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर करना क्या आप लोगों को, तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ ध्यान देना है कि इसमें आवेदन संख्या, इसमें आवेदन संख्या भरना है, और इसमें आपका सूचीकरण संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर। आवेदन संख्या जब आप फॉर्म को अप्लाई किए होंगे तब उसमें एक मिला होगा आपको रिसीविंग, उसी में ये आवेदन संख्या रहता है, उसको यहाँ डालेंगे। और उसके बाद से अपना यहाँ पर लॉगिन पर यहाँ पर करेंगे तो आपका पूरा खुल जाएगा, स्कूटनी का आपको हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना नंबर बढ़ा है कितना नंबर घटा है पूरा इसमें यहाँ पर दिखाएगा। तो चलिए मैं इसे भर दे रहा हूँ, उसके बाद से आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर एक भर दे रहा हूँ यहाँ पर, तो ये मैं यहाँ पर पहले से भरा था तो जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको इसी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। चलिए तो देखिए यहाँ पर ये मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। अब इसके बाद से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, तो मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, उसके बाद से आपको चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल सही से डालना है, यहाँ पर पहले बड़ा आर डालना है इसमें, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहले का डालना है आपको इसमें बड़ा आर। ठीक है, बड़ा आर, उसके बाद से यहाँ पर बड़ा आर हो जाने के बाद से यहाँ पर, चलिए मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ बड़ा आर यहाँ पर, और उसके बाद से यहाँ पर मैं पहले से किया हूँ तो उसको मैं यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी डालने के बाद करना क्या है आपको, लॉगिंग पर दबना है, लॉगिंग पर यहाँ पे करना है इसका यहाँ पे आपको। तो चलिए मैं लॉगिन कर दे रहा हूँ यहाँ से, तो देखिए खुलेगा यहाँ पर, देखिए पूरा यहाँ पर खुल गया, आप देख रहे होंगे यहाँ पर पूरा ये खुल गया। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम राहुल नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, या पूरा मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे इसका पूरा यहाँ पर शो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट डिटेल में, देखिए यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट डिटेल में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ इस बच्चा का पूरा देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सब्जेक्ट नेम यहाँ पर इंग्लिश में इनका बिफोर स्कूटनी मार्क्स, यानी इनका स्कूटनी का पहले मार्क कितना था इनका, तो स्कूटनी का पहले मार्क इनका था, स्कूटनी का पहले मार्क 51 नंबर था। अब आफ्टर स्कूटनी कितना हो गया यहाँ पे इनका 55 नंबर हो गया, यानी 4 नंबर की बढ़ोतरी की गई है इनका। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ही मार्क में लिख रहा है चेंज, यहाँ पर चेंज यानी कि यहाँ पर भी पहले से यहाँ पर चेंज होकर के यहाँ पर 4 नंबर का यहाँ प्लस कर दिया गया है। और इनका फिजिक्स में क्या लिखा है यहाँ पर 29, यहाँ भी कितना है 29, यहाँ पर लिखा है नो चेंज यानी चेंज नहीं किया गया है। और यहाँ पर इनका केमिस्ट्री में भी जो कहते हो छोड़ दिया गया 29 नंबर, और मैथमेटिक्स में यहाँ पर 56 नंबर मिला है इनको, और यहाँ पर इनको एक नंबर बढ़ा करके आफ्टर स्कूटनी मार्क्स में यहाँ पर एक नंबर यहाँ पर प्लस कर दिया गया है यहाँ पर बिहार बोर्ड की ओर से, जैसा जितना मतलब कि इनका था। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई बच्चा संतुष्ट नहीं है, सभी लोग उदास हैं यहाँ पे, क्योंकि बिहार बोर्ड ने यहाँ पे फिर एक बार यहाँ से बच्चों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया है, क्योंकि 70-70 रुपया लेकर के यहाँ पर नंबर यहाँ पर अच्छा चेक नहीं हुआ है, ये पूरा का पूरा ये मतलब कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्योंकि जो बच्चा कॉन्फिडेंस था कि उनका नंबर कम से कम 15-20 नंबर बढ़ेगा एक सब्जेक्ट में, और वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉपी आपका कॉपी ही शुरू में आपका गलती चेक किया गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख रहा है अपडेट ऑन, अपडेट किया गया है यहाँ पर 30 तारीख का, आपका अपडेट किया गया है यहाँ पर 30 तारीख को ये, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर कुछ हम यहाँ पर गड़बड़ी लग रहा है। जो भी बच्चा इसको देख रहे हैं पूरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिनका नो चेंज लिख रहा है, जिनका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, वो
वो भरम में है और वो बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि उनका नंबर बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार बोर्ड के बारे में आप जानते हैं, बिहार बोर्ड नहीं बोलते हैं कि मनमानी करता है, तो जिनका नो चेंज लिख दिया है उनका चेंज होने वाला नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया, यहाँ पर आपका दिखा रहा है कि यहाँ पर आफ्टर स्क्रूटनी, अब यहाँ पर बढ़ा तो सही है और नहीं बढ़ा तो आपका 70 रुपया पानी में डूब गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ बिहार बोर्ड के तो जानते ही आप कि वो काम जो करता है वो सही से करता नहीं है, और वही काम फिर इस बार किया है जो आप देख सकते हैं। यहाँ कितने बच्चे हैं ना जिनका जिनका रिजल्ट यहाँ पे एक नंबर, आप बताइए कि कोई लड़का का एक नंबर बढ़ा है, कोई लड़का का दो नंबर बढ़ा है, किसी बच्चा का 10 नंबर तक बढ़ा भी अभी तक मैं नहीं देखा हूँ। मैं भी चेक कर रहा हूँ, किसी बच्चा का ये नहीं देखा हूँ कि 10 नंबर 8 नंबर 7 नंबर बढ़ा हुआ है एक सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं। मैक्सिमम बढ़ा है तो 5 नंबर बढ़ा है, 4 नंबर बढ़ा है, 4 से 5 नंबर बढ़ा है या उनका एक नंबर बढ़ाया गया है, ये सब क्या हो रहा है ये आप समझ लीजिए, देख लीजिए। यहाँ पर बिहार बोर्ड से यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों के साथ खिलवाड़ किया। और यहाँ पर देखिए एक यहाँ बात गौर करने वाली बात है यहाँ पे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पे कि इनका दो दो सब्जेक्ट में 29 नंबर है, दोनों सब्जेक्ट में 29 नंबर है यहाँ पर, ये कैसे हो सकता है बताइए। और ये लड़का यहाँ पर बोल रहा था कि हमने यहाँ पर कम से कम जो लड़का के 51 नंबर आ गया इंग्लिश में, मैथमेटिक्स 56 नंबर आ गया मैथ में, केमिस्ट्री में यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स में एक भी ऑब्जेक्ट्री में, और यहाँ पे फिजिक्स में प्रैक्टिकल नंबर मिलता है ठीक है, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव रहता है, और फिर भी इनका 29 नंबर है दोनों सब्जेक्ट में और एक को नंबर नहीं बढ़ा, इसमें कुछ तक बहुत बड़ा गड़बड़ लग रहा है इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लड़कों के साथ यहाँ पर पैसा लूटने का काम किया बिहार बोर्ड यहाँ पर, और एक भी नंबर बढ़ाया नहीं किसी लड़का का यहाँ पर। मैं बच्चा यहाँ पर कमेंट करते हैं, लड़के सब कमेंट कर रहे हैं कि बिहार बोर्ड ये हो वो है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। बिहार बोर्ड जब इन लोगों का यही काम है कि बच्चों के साथ किस प्रकार से खेलना है, किस प्रकार से इन लोगों फसल उठना है, सब यही सब करते हैं ये लोग। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी दोस्तों में शेयर करें और सभी लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको सबसे पहले मैं बता दूँ। और एक बात जान जाइए कि यहाँ पर आपका रिजल्ट कंजन का रिजल्ट चेक नहीं हुआ है, वो जिस तरह मैं बताया हूँ उस प्रकार से आप जा करके चेक कीजिए, आपका चेक हो जाएगा ठीक है। चेक नहीं होता है तो रोल कोड रोल नंबर यहाँ पर कमेंट कीजिए, आपको मैं संभव होगा तो चेक रोल कोड नंबर रोल कोड से नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर आवेदन संख्या यहाँ पर आप कमेंट कीजिए, आपको मैं हो सके संभव होगा तो आपको चेक करके मैं अगले वीडियो में आपको दिखा बता दूंगा आपको, वरना आप खुद चेक कीजिए, अपने आप चेक कीजिए ठीक है। आप चेक कीजिएगा तो आपको आपको भी कुछ जानकारी मिलेगी ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।